साइडवाइंडर सांप रैटल स्नेक का ही एक उप प्रजाति है। ये सांप जहरीले पिट वाइपर श्रेणी में आते हैं। इसके बाकी प्रजातियों के तरह ये सांप भी काफी जहरीला होता है। साइडवाइंडर सांप का नाम इसके चलने के स्टाइल के कारण रखा गया है। ये स्टाइल साइडवाइंडर सांप को रेगिस्तान के खिसकते रेतों पर चलने में मदद करता है। 2 से 2.5 फीट तक लंबे होते हैं ये साइडवाइंडर सांप। ये सांप 18 मील प्रति घंटे के रफ्तार से रेंग सकते हैं। साइडवाइंडर सांप के रेंगने का स्टाइल ऐसा होता है कि उसका शरीर का सिर्फ कुछ इंच का ही हिस्सा गर्म रेत के ऊपर कुछ सेकंड तक रहता है। इससे ये सांप रेगिस्तान के गर्म रेत पर बिना किसी तकलीफ के बहुत ज्यादा दूर चल सकता है। उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तानों में पाए जाते हैं साइडवाइंडर्स। ये सांप ज्यादातर चूहे और रेगिस्तानी छिपकली को खा लेता है। रात को ये सांप रेगिस्तानों में भटकते रहते हैं शिकार के खोज में, लेकिन दिन में ये सांप अपने शरीर को रेत में दफना देते हैं और इंतजार करते हैं किसी शिकार का। साइडवाइंडर सांप सबसे तेज रेंगने वाले सांपों में से एक हैं। ये सांप अपने पूंछ को रेत के अंदर से निकालकर धीरे धीरे हिलाते हैं ताकि ये दूर से शिकार को लुभा सकें। जैसे ही शिकार पास आ जाता है ये सांप झट से रेत के अंदर से निकलकर शिकार को दबोच लेता है। साइडवाइंडर सांप का जहर काफी असरदार होता है। काटने के थोड़े ही देर बाद शिकार की मौत हो जाती है। साइडवाइंडर सांप लगभग 20 सालों तक जिंदा रहते हैं। अमेरिका के रेगिस्तान ठंड के मौसम में ज्यादा गर्म नहीं होते और साइडवाइंडर सांप के छुपने के लिए ये मौसम काफी सुहाना होता है। अमेरिकी रेगिस्तानों के साथ साथ ये सांप मेक्सिको के रेगिस्तानी इलाकों में भी देखा जाता है। अमेरिका के बाकी इलाकों में भी ये सांप देखा जाता है जहां बहुत कम बारिश होता हो और ज्यादा आबादी भी ना हो। एक मादा साइडवाइंडर सांप एक बार में 18 से 20 छोटे साइडवाइंडर्स को जन्म देती है जो कि कुछ ही हफ्तों में खतरनाक शिकारी बन जाते हैं और रेगिस्तान के खतरनाक वातावरण में जीना सीख जाते हैं।